देखिए, आपको केंद्रीय उच्च भूमि में अरावली पर्वत तो पढ़ा चुके हैं ना, मेवाड़ का पर्वत पठार तो पढ़ा दिए थे, मालवा का पठार भी पढ़ा दिए हैं। पिछले वाला लेक्चर में जाकर आप देखिएगा, आप हमें पढ़ाना क्या है, बुंदेलखंड का पठार, समझे। सबसे पहले इसमें एक थोड़ा सा बैक बैक लेके चलते हैं, जिसमें आपको इसके लिंक बन सके, मतलब इसका लिंक बन सके। सबसे पहले आप जानते हैं अरावली पर्वत, अरावली पर्वत कहाँ, गुजरात के अहमदाबाद से लेकर दिल्ली तक है कि नहीं, हमको बताइए। चलिए, यह है अरावली पर्वत के इंपोर्टेंट। अरावली पर्वत से क्या नदी निकलती है, मुख्य रूप से तीन नदी निकलती है। एक है लुनी नदी, जैसे ई इधर निकलती है, जो कच्छ में जाकर विलुप्त हो जाती है, गुजरात के कच्छ में जाकर क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। अगला नदी है इसमें बनास नदी, और एक है साबरमती नदी, आप ध्यान दीजिएगा, आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, वो ये बताइए पहले, अच्छे से दिख रहा होगा, लाल पेंसिल लिखता हूँ तो। चलिए, आपको अच्छे से दिख रहा है। चलिए, एक बात समझिए, साबरमती नदी, यहाँ से होती हुई खंबात की खाड़ी में गिर जाती है कि नहीं, यहाँ पे साबरमती आश्रम है, कोई दिक्कत। आप एक बात समझिए, ये इंपोर्टेंट हमको, ये है ये अरावली पर्वत कहाँ से है, गुजरात से लेकर कहाँ तक, दिल्ली तक है, कोई दिक्कत। आप समझिए, आप हमको पढ़ाना मेवाड़ का पठार, कौन सा, मेवाड़ का पठार। आपको बताए थे मेवाड़ का पठार कहाँ है, राजस्थान, राजस्थान और कहाँ पे है, एमपी में विस्तार है। मेवाड़ के पठार का विस्तार कहाँ है, राजस्थान और एमपी में विस्तार है। आप देखिए ध्यान से, कोई दिक्कत, राजस्थान प्लस एमपी, कौन सा पठार हुआ, मेवाड़ का पठार, समझे। ये मेवाड़ के पठार से कौन नदी, इससे होकर कौन सी नदी बहती है या प्रवाहित होती है या अपवाहित होती है, कौन सी नदी, बनास नदी, आप बताइए, ये बनास नदी तो अरावली से निकलती है ना, तो बनास नदी देखिए ध्यान से, बनास नदी यहां से निकल के बहते हुए यहां पे, ध्यान दीजिएगा यहां पे, ये हो गया बनास नदी, कौन सी नदी, बनास नदी, बी कर दिया है। अब देखो ये कहाँ पे, मेवाड़ के पठार में, यहीं पे समझिए, मेवाड़ के पठार का राजस्थान और एमपी में विस्तार है इसका, मेवाड़ के पठार का। आप हमें है मालवा का पठार, ध्यान दीजिएगा, मालवा का पठार, कहाँ है, एमपी में। मालवा का पठार किसे आपको पढ़ा चुका हो, मध्य प्रदेश में बेसाल्ट चट्टान से निर्मित संरचना को मालवा का पठार कहते हैं, मध्य प्रदेश में। मध्य पर बेसाल चट्टान के रासायनिक और भौतिक परिवर्तन, मतलब टूट फूट होने से क्या बनता है, काली मृदा बनता है। काली मृदा के में किस चीज़ का खेती होता है, कपास की खेती, ये आपको बता चुका हो, ये एमपी, ये बेसाल चट्टान है। आप बताइए ध्यान से देखिएगा, सॉरी, ये मालवा का पठार से क्या अपवाही होती है, आप देखिए ध्यान से, मालवा का पठार से यहाँ से चंबल नदी जा रही है, कौन सा नदी, चंबल नदी, हम यहाँ पे चंबल लिख देता हूँ, चंबल, आपको दिख रहा है, चंबल नदी इधर जा रही है। ये चंबल नदी निकलती कहाँ से है, एक यहाँ पे विंध्य पर्वत है, कहाँ है, विंध्य पर्वत, विंध्य पर्वत, विंध्य पर्वत से चंबल नदी निकलती है और मालवा का पठार होते हुए बहती है, समझे। और ये मालवा का पठार होते हुए बहती है, और ये जो नदी है, ये चंबल नदी, ये कहाँ जाके मिल जाती है, यमुना नदी में, यमुना, यमुना नदी निकलती कहाँ से, उत्तराखंड के यमुनोत्री से निकलती है, ध्यान से। और गंगोत्री से कौन सा, गंगा नदी निकलती है कि नहीं, ये हमको बताइए, ये हो गया कौन सा, यमुना नदी, ये हो गया गंगा नदी, गंगा नदी। आप बताइए, सबसे पहले बताइए, अरावली पर्वत से बनास नदी निकलती है और मेवाड़ के पठार में बहती है, बहते हुए चंबल नदी में मिल जाती है। चंबल नदी विंध्य पर्वत से निकलकर मालवा का पठार होते हुए यमुना नदी में मिल जाती है, कोई दिक्कत। आप हमें समझना है ई, तो ई बताइए, मालवा का पठार से कौन नदी बहती है, चंबल नदी, मेवाड़ के पठार से कौन नदी बहती है, कौन सा नदी, बनास नदी,
कोई दिक्कत। अब है बुंदेलखंड, आप ध्यान दीजिए क्या है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड का विस्तार है, ध्यान दीजिएगा, बुंदेलखंड का तो यूपी और एमपी, ये एमपी है ना, एमपी प्लस यूपी। बुंदेलखंड का विस्तार कहाँ है, यूपी और एमपी में, आप बताइए। ये है बुंदेलखंड, ये बुंदेलखंड है। बुंदेलखंड का आपको बोलेगा बुंदेलखंड कहाँ है स्थित है, कहाँ पाया अभी मिलता है, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में, आप ध्यान दीजिएगा। इससे बुंदेलखंड से होते हुए एक यहाँ से एक नदी निकलती है, यहाँ से एक नदी निकलती है जिसको कहते हैं बेतवा नदी। कौन सा नदी निकलती है, बेतवा नदी, आप ध्यान दीजिए। बनास नदी मेवाड़ के पठार में बहती है और बेतवा नदी बुंदेलखंड के पठार में बहती है। ये एग्जाम में आता है, ऐसा ही आता है, समझ में आया आपको अच्छे से। तो बुंदेलखंड का पठार का विस्तार कहाँ है, मध्य प्रदेश और यूपी में। मालवा का पठार का मध्य प्रदेश में, मेवाड़ का पठार का राजस्थान और एमपी में, अरावली का गुजरात, राजस्थान, दिल्ली। कोई दिक्कत, आप देखिए इसका क्या है, अरावली क्या है, गुजरात, राजस्थान और दिल्ली। समझ में आया कि नहीं, वो ये बताइए पहले बुंदेलखंड का। कोई दिक्कत, ये बताइए बुंदेलखंड का तो आपको बता दिया, बुंदेलखंड के बाद ये क्या है, बघेलखंड है कि नहीं, बघेलखंड। बघेलखंड का विस्तार है कौन सा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विस्तार का है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। इस समझ में आया कि नहीं, पहले बताइए, आ गया होगा, आप समझिए। ये जो विंध्याचल पर्वत है इसको विंध्य पर्वत बोलते हैं, लिखते हैं विंध्य पर्वत, और कहीं कहीं विंध्याचल पर्वत भी बोलते हैं। इसका विस्तार इसका गुजरात से बिहार तक है, गुजरात से लेकर कहाँ तक, बिहार तक, आप समझिए। ये गुजरात में, ये यहाँ पे जावेद हिल है, कौन सा, जावेद हिल मतलब पहाड़ी। ये बिहार में कहाँ तक है, कैमूर की पहाड़ी तक, समझ में आया कि नहीं, बताइए आप बताइए। ये गुजरात से जाएगी तो ये मध्य प्रदेश से भी गुजरेगी कि नहीं, समझे, छत्तीसगढ़ गुजरेगा कि नहीं, गुजरेगा। ये बिहार में आया कि नहीं, बिहार में। तो आपको बताया थे इधर बिहार ऐसे है, ऊपर है पश्चिम चंपारण, वेस्ट चंपारण है कि नहीं बिहार में, जिला 38 जिला होता है, और नीचे क्या है, कैमूर है। ये जो जाती है पर्वत जो पश्चिम चंपारण से गुजरती है वो है पर्वत शिवालिक रेंज, कौन सा, शिवालिक, जो हिमालय का पार्ट है। और ये जो कैमूर के पठार है ये कौन सा पठार का विस्तार रूप है, विंध्य पर्वत, विंध्य पर्वत का। तो ये जो कैमूर के पहाड़ी यहाँ पे है कि नहीं, यहाँ पे पश्चिम चंपारण में वो है सोमेश्वर पहाड़ी। आपको क्वेश्चन में आ जाता है सोमेश्वर श्रेणी किस पहाड़ी का, किस पर्वत का विस्तार है, किस पर्वत का भाग है, शिवालिक पहाड़ी का, कहां पे, शिवालिक पहाड़ी। लेकिन कैमूर का पहाड़ विंध्य पर्वत का, समझ में आया कि नहीं, चलिए ये आ गया, अब इसको क्लीन कर देता हूं। विंध्य पर्वत गुजरात के जावेद हिल से लेकर बिहार के कैमूर की पहाड़ी तक विस्तार है, आप समझिए। यहां पे ये जो चंबल नदी है, चंबल नदी, चंबल नदी कहां से निकलती है, चंबल नदी भी विंध्याचल पर्वत से निकलती है। और ये जो नदी है बेतवा नदी, बेतवा नदी, बेतवा नदी भी कहाँ से निकलती है, विंध्याचल पर्वत से निकलती है। आपको नदी पढ़ाएंगे तो इसको अच्छे से नदी के सारा नदी के बारे में पढ़ा देंगे, ये आपको समझ में आया कि नहीं। इसको हम अच्छे से आपको एक एक करके लिख के बताता हूँ कैसे लिखा जाए, नोट कैसे बनाइएगा, ये कुछ समझा, नोट कैसे बनाइएगा। अब देखिएगा आप अच्छे से देखते जाइएगा, देखते जाइएगा, आपको सेम चीज आपको लिखा दिए थे। बुंदेलखंड का पठार ये कहाँ है, मध्य प्रदेश और यूपी, इससे कौन सा नदी प्रवाहित होती है, कौन सा नदी बहती है, इससे कौन सा नदी गुजरती है, बेतवा नदी, इसी के बारे में हम लिख रही है। मध्य प्रदेश और यूपी, ये ना मध्य प्रदेश और यूपी के कौन सा चट्टान से निर्मित है हमको बताइए, ग्रेनाइट और निश चट्टान से, आप बताइए। यहीं पे हम यहाँ पे यदि ग्रेनाइट प्लस निश्चट्टान, आप बताइए एक मिनट,
इस चट्टान को टूटने फूटने यानी भौतिक या एवं रासायनिक परिवर्तन से कौन सा सॉइल का निर्माण होता है, मतलब मिट्टी का निर्माण होता है, लाल मृदा का, कौन सा लाल मृदा का निर्माण होता है? कोई दिक्कत? आप एक चीज याद कीजिए, आपको मालवा का पठार में पढ़ाए थे, मालवा का पठार बेसाल्ट चट्टान पे है कि नहीं बताइए। तो मालवा का पठार किसे कहते हैं? बेसाल्ट चट्टान से निर्मित संरचना को ही मालवा का पठार बोलते हैं। बेसाल्ट कौन सा? बेसाल्ट चट्टान, बेसाल्ट चट्टान से निर्मित संरचना को ही मालवा का पठार बोलते हैं ना। और ये बताइए, बेसाल्ट चट्टान के टूटने फूटने से किसका निर्माण होता है बताइए? बेसाल्ट चट्टान के टूटने फूटने से काली मृदा का निर्माण होता है कि नहीं? कोई दिक्कत? तो देखिए, मालवा का पठार जिससे कौन सा नदी बहती है, कौन सा नदी गुजरती है? चंबल नदी गुजरती है। मेवाड़ के पठार से कौन सा नदी गुजरती है? बनास नदी गुजरती है। बनास नदी अपवाहित होती है, अपवाहित होती है, अपवाहित किताब की भाषा में अपवाहित होती है, ऐसा ले, अपवाहित होती है। यदि आप मेंस का क्वेश्चन लिखे ऐसे अपवाहित लिखे, बहती नहीं, बहती थोड़ा छोटा सा वर्ड लगता है, स्ट्रॉन्ग वर्ड नहीं, अपवाहित मतलब स्ट्रॉन्ग वर्ड लगता है। अब बताइए, मालवा का पठार बैसाल्ट चट्टान से निर्मित संरचना है कि नहीं बताइए? अब बैसाल्ट चट्टान से निर्मित संरचना के टूटने फूटने से क्या किसका निर्माण होता है? काली मृदा का निर्माण होता है। किसका निर्माण? काली मृदा का निर्माण होता है। ये समझ में आया कि नहीं? बुंदेलखंड का पठार किससे निर्मित होता है? ग्रेनाइट और निश चट्टान से, ग्रेनाइट और निश चट्टान से। हाँ, ग्रेनाइट और निश चट्टान के टूटने फूटने से क्या किसका निर्माण होता है? लाल मृदा का निर्माण होता है। ये समझ में आया कि नहीं बताइए? तो ये बताइए, ये तो अच्छे से आपको बुंदेलखंड तो पढ़ा दिए ना, आप बघेलखंड में आपको एमपी और छत्तीसगढ़ बताए हैं, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में निर्मित संरचना को बघेलखंड बोलते हैं। अब बघेलखंड काम क्या, ये हमको बताइए। ये ऐसा है, इंडिया ऐसे ही है ना। ये बताइए, हम क्या बोलते हैं इसको? केंद्रीय उच्च भूमि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्रीय उच्च भूमि। ये जो है इसको क्या बोलते हैं? इसको पूर्वी पठार बोलते हैं कि नहीं बताइए? पूर्वी पठार बोलते हैं कि नहीं? इसको इसको बोलते हैं पूर्वी पठार। कौन सा? पूर्वी पठार। आप बताइए, इसमें आपको बताया थे, ध्यान दीजिएगा, अरावली बताया थे, क्या बताया थे और बताइए? मेवाड़, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड। आप बताइए, ये सब भाग तो केंद्रीय उच्च भूमि के इधर है ना। ये जो बघेलखंड है, इसका कहने का सेंस का, बघेलखंड की क्या पूर्वी पठार और केंद्रीय उच्च भूमि को बांट रहा है कि नहीं? तो वही चीज को हम लिख दिए, बघेलखंड का केंद्रीय उच्च भूमि और पूर्वी पठार को अलग करती है। कोई दिक्कत? आप यदि मेंस का क्वेश्चन लिखिएगा ना, लिखे कीजिएगा, इतना समझ में आया कि नहीं पहले बताइए? आ गया? आप बताइए ध्यान से, आप हम बघेलखंड के बारे, बघेलखंड कहाँ है? मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आप हमें लेना है विंध्य पर्वत। कौन सा पर्वत? विंध्य पर्वत के बारे में समझना है। विंध्य पर्वत हमको पता है गुजरात के कौन सा पहाड़ी? जावेद का पहाड़ी, जावेद की पहाड़ी। पहाड़ी से लेकर बिहार के कैमूर की पहाड़ी तक है कौन सा पर्वत? विंध्य पर्वत, यानी विंध्याचल पर्वत। कोई दिक्कत? आप देखिए, विंध्याचल पर्वत कौन सा मृदा से निर्मित? लाल बलुआ पत्थर या चूना पत्थर, चट्टान से निर्मित संरचना है। कहने का मतलब विंध्य पर्वत चूना पत्थर। निर्मित संरचना है कि नहीं बताइए? चूना पत्थर से निर्मित संरचना है कि नहीं? कोई दिक्कत? आप ये सारा चीज याद कीजिए, केंद्रीय उच्च भूमि आपको इतना ही चीज पढ़ना है। कोई दिक्कत? केंद्रीय उच्च भूमि में आप देखिए, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, अरावली पर्वत आपको बता दी है। अरावली पर्वत में क्या, अरावली गुजरात से लेकर कहां तक? दिल्ली तक है, ये बता दिए। मेवाड़ का पठार कहाँ है? राजस्थान प्लस मध्य प्रदेश में। मालवा का पठार क्या है? मध्य प्रदेश में। बुंदेलखंड का पठार क्या है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। और बघेलखंड कहाँ है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। और विंध्याचल पर्वत गुजरात के से लेकर बिहार के कैमूर की पहाड़ी तक है। कोई दिक्कत? इतना आप समझ लीजिए, कोई दिक्कत? चलिए, देखिए आपको मैप में एक बार अच्छे से बता देता हूँ, ये अच्छे से लिखते जाइएगा, लिख लीजिएगा, मैप भी बनाते चलिएगा। आप देखिए,
गुजरात से लेकर दिल्ली तक अरावली पर्वत, कौन सा पर्वत है? अरावली पर्वत। हम इसको अरावली पर्वत, अब ध्यान लीजिएगा, अरावली पर्वत है, इसको एक नंबर दे देते हैं, कोई दिक्कत? यहाँ पे राजस्थान और मध्य प्रदेश में कौन सा पर्वत? मेवाड़ का पठार। कौन सा पठार? मेवाड़ का। आप बताइए मध्य प्रदेश में कौन सा? मालवा होगा कि नहीं, बताइए। ई क्या है? ई जो है, ई मेवाड़ का पठार किसमें है? राजस्थान प्लस एमपी में हुआ। अब मालवा का कहाँ है? एमपी में हुआ। इसके जस्ट बगल में उत्तर प्रदेश, इसके जस्ट बगल में क्या है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बघेलखंड, बुंदेलखंड है कि नहीं, बताइए। बुंदेलखंड, समझ में आया कि नहीं, ये बताइए पहले। तो क्या है? मध्य प्रदेश प्लस उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में कौन सा पर्वत है? बुंदेलखंड का पठार। आप बताइए बुंदेलखंड के जस्ट बगल में ये क्या है? बघेलखंड है कि नहीं, बताइए। बघेलखंड ये आपको दिख रहा है अच्छे से, ये हमको बताइए। ये थोड़ा इन थोड़ा बघेलखंड, तो दिख रहा है। ये बघेलखंड कहाँ है ये बताइए था? मध्य प्रदेश पर, छत्तीसगढ़ में है कि नहीं, बताइए, कोई दिक्कत? ई चीज बताइएगा, आपको लाल पेन से कर देता हूँ, ये बताइए। आई विंध्य पर्वत, ई तो हुआ अरावली पर्वत, क्या हो गया? अरावली, अरावली पर्वत हुआ। ई गुजरात से लेकर बिहार तक ये कौन सा हुआ, जिसको विंध्य पर्वत बोलते हैं? क्या बोलते हैं? विंध्य पर्वत, विंध्य पर्वत, कोई दिक्कत? विंध्य पर्वत से ना निकलता है चंबल नदी और बेतवा नदी। चंबल नदी किसमें मिल जाती है? यमुना नदी में। किसमें? यमुना नदी में। आप समझ में आया कि नहीं, बताइए। अब एक चीज और आपको बता ही देता हूं, इसमें ध्यान दीजिएगा। ये मेवाड़ के पठार से कौन नदी प्रवाहित होती है? बनास। कौन सा? बनास, बनास नदी, समझे। अभी मालवा का पठार से कौन सा, इसको कौन सा नदी बोलते हैं? चंबल नदी। कौन सा नदी? चंबल नदी। आई बताइए बुंदेलखंड से, ये बताइए बुंदेलखंड से कौन सा नदी, जल्दी बताइए। इसको बोलते हैं बेतवा नदी। कौन सा नदी? बेतवा नदी, समझ में आया? आप देख, मेवाड़ के पठार से बनास नदी, मालवा का पठार से चंबल नदी, बुंदेलखंड का पठार से बेतवा नदी। अच्छे से समझ, इस समझ के ऊंची मूवी समझ में आया कि नहीं, बताइए। आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, आप अच्छे से लिखते जाइएगा।